हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस हैपेंस टू बी रमान स्टूअल के। क्या हाल चाल सबके? सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ एसफल्ट 9 और CSR2 जो कि एक कार रेसिंग गेम है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि उस पर उसका ग्राफिक मुझे चेक करना चाहिए और वो गेम भी चेक करना चाहिए, जो कि उसने बोला था कि एसफल्ट 9 से ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ और वो गेम मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और थोड़ा मैं ट्रायल भी कर चुका हूँ। तो इधर मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, बस लास्ट तक देखते रहना वीडियो को। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले एक रेस खेल लेते हैं एसफल्ट 9 में। अभी हम लोग रेस खेलने वाले हैं न्यूयॉर्क में एक बहुत ही शानदार कार के साथ, जो कि इस क्लास की कार है। ये देख लो, इसका नाम है लैम्बोर्गिनी इगोइस्टा। काफ़ी स्ट्रगल करने पे ये मिलती है, स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। तो ये कार मैंने अनलॉक की भी हुई है और ये कार शायद पूरी मैक्स 6 स्टार हो चुकी है, 4 या 5 स्टार होगी तो हो चुकी है, वो मुझे याद नहीं, बट 4 स्टार तो होगी है। अब जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो बनाया है कंपेयर किया दूसरे गेम से, तो मैंने हर गेम प्ले में मैंने बोला है, हर गेम पे रीजन वाली वीडियो में मैंने बोला है कि एसफल्ट 9 में जो ग्राफिक आता है, जो आप साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, रोड देख रहे हो, काफ़ी एक रियल एक्सपीरियंस देता है। ये जो टर्निंग देख रहे हो, रैंप देखो, ये जो फिज़िक्स होता है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था जो एसफल्ट 9 में फिज़िक्स होता है वो देख लो। ये सब से अगर कंपेयर करोगे आप दूसरी कार को, दूसरी कार नहीं दूसरे गेम को, तो अभी तक मैंने तीन या चार गेम से मैंने कंपेयर किया एसफल्ट 9 को और हर बार मैंने एसफल्ट 9 ही को वोट दिया है और मैं इसी को वोट दूंगा। इस बार भी मेरा वोट तो इसी को जाता है, बट आपका वोट किसको जाएगा, एसफल्ट 9 को या CR2 को, वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी ये रेस ऑलमोस्ट 83-85% जो है कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद CR2 है या CSR2 है वो अभी पता चल जाएगा देख करके, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और ये रेस कम्प्लीट हो चुकी है और मेरा वोट जाता है एसफल्ट 9 को, आप लोग का वोट किसको जाता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिनेमेटिक व्यू दिखा देता हूँ और ये देख लो, यहाँ पे जितना भी जो क्वालिटी मिलती है गेम में, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के किसी को दिखाते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आप कंपेयर कर सको कि ये गेम का है या किसी मूवी का है या कोई और रियल वीडियो क्लिप है। काफ़ी एक रियल एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कार है, उसका टेक्स्चर, अभी यहाँ पे देख लो जो अभी बिल्डिंग आप देख रहे हो, दूर दूर तक बिल्डिंग, लाइट, हर कुछ आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, जो ब्रिज है। और ओवरऑल जो गेम है भाई वो तो अलग ही है। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSR2। इसका 1 मैंने नहीं खेला बट मैं सब्सक्राइबर के कैंप में खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा रेस है और मोशन ब्लर है इसमें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला लग रहा है रेस, सॉरी गेम लग रहा है, बट अंदर आते ही हम लोग को ये मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है अभी मैं स्टार्टिंग में हम लोग को लो कार मिलेगी। अभी मैं क्या करूँ, ओके इसको मैं अभी पहले कोई गेम प्ले करता हूँ, पहले ही मैं खेल चुका हूँ, 4-5 गेम प्ले मैंने किया, तो ये थोड़ा नीड फॉर स्पीड से मैंने कंपेयर किया था उसके जैसा वो लग रहा है कि मैप के जैसा जाना। अभी ये स्टार्ट हो गया, ये ब्रिज का है और ये अभी 2, इसमें 2-3-1 नहीं लिखता या शायद लिखेगा, ओके ओके, तो ये साइड से चलेगा, इसको साइड से चलाना है गाइस। ओ भाई, तब तो हो गया भाई, ऐसे गेम हम लोग तो वही नहीं खेल पाएंगे हम लोग। ये देख लो, ये क्या सच में ऐसे ही चलेगी कार, और इतनी छोटी रेस, इससे ज़्यादा टाइम तक तो हम लोग नेट्रो करते रहते हैं सिर्फ एसफल्ट 9 में, क्या यार। और इस गेम का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 3 GB साइज़ है इस गेम का और हम लोग को मिल जाइए। और ये क्या है, न्यू कंटेंट, द लेटेस्ट HDR कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल, वी नीड टू अपडेट, क्या यार सिर्फ अपडेट करते रहें, कॉन्टेंट हम लोग को मिल जाए कहाँ। यार सर में दर्द हो रहा है मेरे, ओके अभी देख लो, अभी फिर से एक खेलते हैं कोई लंबा रूट वाला हो, क्योंकि जितना देर में मैंने रेस कंप्लीट किया उससे ज़्यादा टाइम तक हम लोग के
आइसफॉल टाइम में सिर्फ नाइट्रो चलता रहता है यार। क्या सिर्फ यही तीन है, सिर्फ यही तीन पे खेल सकते हैं रियली यार, सो कंफ्यूजिंग। अभी लगता फिर से वही सेम मैप आया, बट इस बार कार दूसरी है। उस बार ओपोनेंट की कार जो वाइट थी अभी ब्लैक आ गई है, बट ये साइड से ऐसे चलेगा तो गाइस ये तो नहीं होने वाला सच में। साइड से ऐसे चलेगा तो नहीं होगा यार। क्या है इसमें, क्या गियर शिफ्ट करो, नाइट्रो का बॉटल भी नहीं मिलेगा सच में यार। ये तो डिजर्व नहीं करता भाई, ये डिज़र्व नहीं करता। 3 GB का गेम होना भाई, ये डिज़र्व नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इसको 3 GB का होना चाहिए। फिर से इतना छोटा रेस यार, मैंने कितना देर में मैंने कंप्लीट किया, लगता 30 सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट कर लिया। और ये बार बार ऐसे मैसेज आता रहता है, ओके कुछ माइल स्टोन कम्प्लीट हो गया। क्या माइल स्टोन है ये? ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या कार अनलॉक हो गई यार? क्या ज्वाइन यार, एक रेस नहीं हो रही है, सिर्फ ज्वाइन करते रहो सच में यार। डिसगस्टिंग यार सच में। गाइस तुम लोग को कैसा लग रहा है बताओ यार। 3 GB का गेम है, फिर से मैं एक गेम में ट्राई कर रहा हूँ यार, फिर से वही मैप आया है। और फिर से साइड से कंट्रोल चले, साइड से कैसे कार चलती है? बाइक साइड से चलती तो समझ में आता है भाई, इसीलिए मैं कह रहा था एसफल्ट लाइन ज़्यादा बेटर है। और एक तो इसको साइड से ऐसे कंट्रोल करो, और ये शिफ्ट लेट क्या है, ये गियर चेंज हो रहा है। ओके अभी थर्ड गियर पे हैं, ओके फोर्थ गियर पे आ गए, ऐसे चलती है यार। ओ भाई यू लॉस, सॉरी गाइस, ये गेम मैंने खेला। गाइस लगता 15 सेकंड में रेस कंप्लीट हुई। 15 सेकंड की रेस कहाँ होती है बता दो मुझे, मुझे बस बता दो कहाँ होती 15 सेकंड की रेस। अभी इसका कुछ और फीचर देख लेते क्या क्या है इसमें, क्योंकि यार 3 GB का नेट है। ये कुछ कार है, सारी कार का ब्रांड का नाम लिखा है, बट हाउएवर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस गेम से। और 3 GB का गेम था, जैसे स्टार्टिंग में जो वो पिक्चर आया था येलो कलर की कार, मुझे लगा कि होगा भाई। अभी देख सकते हो वो उस गेम में और इस गेम में कितना ही फ़र्क है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो एसफल्ट नाइन इज़ द बेस्ट बेस्ट रेसिंग गेम, इसको बेस्ट रेसिंग गेम का अवार्ड मिलना चाहिए। क्या लगता है गाइस, इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लोगों पर क्लिक करो, और दूसरी कंपेयर वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करो, और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट पर क्लिक करो। और इसके अलावा कौन सी गेम से एसफल्ट नाइन को कंपेयर करना चाहिए, या आपको लगता है कोई गेम जो एसफल्ट नाइन से अच्छी है, वो कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।